नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरें विस्तार से। अलीगढ़ खैर तहसील क्षेत्र के गांव गौमत में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने शहाब सिंह जोड़ैला ने छात्र छात्राओं को लेकर गांव गली मोहल्लों में मतदाता जागरूक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर अध्यक्ष राम भूल सिंह, ग्राम प्रधान पति जयपाल सिंह, गजेंद्र सिंह राम बाबू, सहायक अध्यापक निर्दोष कुमार, सहायक अध्यापक श्रीमती मुनवर सुल्ताना, सहायक अध्यापक वीकेडी कौशिक, समाज सेवी आदि उपस्थित रहे। इन दिनों किसानों द्वारा अपनी उपज की बिक्री हेतु भारी मात्रा में उपज को कृषि उपज मंडी में विक्रय हेतु लाया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा नवीन कृषि मंडी में नीलामी व्यवस्था रखी गई है, किंतु वहां पर कोई सुविधा न होने से किसानों को भारी नाराजगी है। यहां तक कि पीने के पानी की भी भारी परेशानी है। किसानों में इसको लेकर काफी नाराजगी देखी गई है। नीलामी का भी कोई समय नहीं है, किसान घंटों इंतजार करते रहते हैं। कुल मिलाकर किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले दल मौन होकर बैठे हैं। प्रदेश में सरकार बदल गई पर किसानों के लिए न सुविधा बदली न व्यवस्था बदली। 18 साल से मंडियों का ढर्रा बहुत खराब था और जो किसान भाइयों को जो लाभ मिलना चाहिए था पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाता था। हर तरह से सारे किसान भाइयों की कमर तोड़ दी थी। आज हमारी सरकार आए हुए केवल 2 माह हुए हैं और इन 2 माह में माननीय कमलनाथ जी ने, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं देने का काम किया है। उनके ऋण मुक्ति का पूरे देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 25 लाख लोगों का ऋण मुक्त हुआ है। अभी मंडियों की जो आपने बात कही है, कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ पुरानी कमियां हैं, उनको सुधारने का प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाला समय मंडियों में और खासतौर से किसान भाइयों के लिए बहुत शाश्वत और उचित साबित होगा। ये हमारी सरकार का प्रयास है। 2 दिन से आया साहब, ना था कोई पानी की व्यवस्था और ना डाक टाइम पे डाक होती है साहब। कोई पता नहीं रहता कहाँ से कितने ट्राली लगाना, कोई व्यवस्था नहीं है सही। खाना तो अब हमें नहीं है मालूम, होटल तो नहीं है था, कोई होटल वोटल नहीं आसपास। कुल मिलाकर काफी परेशानी। हाँ, अब वापस नहीं जाना पड़ता है तो डाक का कोई एक ट्राली खोल कर ले जाना पड़ता है। तो टाइम से तो होती है वैसे डाक, पर ट्रालियों का ऐसा नहीं था कितने तक कहाँ तक, कोई बताते नहीं है कहाँ तक क्या होना है सही से। काफी अव्यवस्था है। हाँ, और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।